सब्सक्राइब कीजिए जायकेदार खाना चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको आलू की चिप्स बना के बताऊंगी। ये आलू की चिप्स मैं बिना फिटकरी के बनाने वाली हूँ। फरवरी और मार्च के महीने में नए आलू आना शुरू हो जाते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। फरवरी के महीने में तो हम आलू की चिप्स नहीं बना पाते क्योंकि इस समय बच्चों के एग्जाम का टाइम होता है। मार्च का महीना एकदम परफेक्ट होता है आलू की चिप्स बनाने के लिए। बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं और चिप्स को फैलाने में बच्चे हमारी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को मजा भी बहुत आता है चिप्स फैलाने में। आलू की चिप्स बनाने के लिए मैंने 2 किलो मालवीय आलू लिए हैं। अगर मालवीय आलू ना मिले तो दुकान वाले से पूछ लें, भैया हमें चिप्स वाले आलू दीजिए। चिप्स वाले आलू एकदम नया होता है, देखिए ये सफेद होता है, इसका छिलका एकदम पतला होता है। जब भी चिप्स बनाने के लिए आलू लाएं, थोड़ा बड़ा साइज का आलू लाएं, इसे चिप्स बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। अब एक आलू लेकर इसके छिलके में निकाल लूंगी। आलू छील छील कर एक पानी से भरे बर्तन में डालते जाना है, इससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। मार्च के महीने में आलू के चिप्स बनाकर रख लें और साल भर के लिए इन्हें स्टोर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू मैंने घिस लिए हैं और एक दूसरे बर्तन में भी मैंने पानी भर लिया है। देखिए चिप्स बनाने वाली मैंने मशीन ली है, इससे मैं सिंपल चिप्स बनाऊंगी। अगर डिजाइन वाले चिप्स बनाना है तो वो मशीन भी मार्केट में मिलती है। साइड में इसके एक जो पेंच होता है, जितने पतले हमें चिप्स चाहिए इस पेंच को घुमाकर ये ब्लेडर है इसको सेट कर ले। यहाँ पर मैं इसको इतना ही रखूंगी और पतले चिप्स बनाऊंगी। देखिए अब एक आलू उठाकर इस तरह से लंबाई में नहीं रखना है, हमें इसको चपटे में रखना है। आलू को चपटा रखकर काटने से चिप्स बड़े और अच्छे गोल गोल शेप में बनते हैं। चिप्स निकालते जाना है। जब आलू थोड़ा कम बचे तो हाथ का थोड़ा ध्यान रखें और स्पीड को थोड़ा कम कर लें, नहीं तो हमारी उंगली और अंगूठा कट सकता है। इसको मैं अलग कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बड़े बड़े गोल गोल चिप्स निकले हैं। कि इतना पतला इन चिप्सों को मैंने रखा है, सूखने के बाद ये थोड़े और पतले होते हैं, इसलिए शुरू में ज्यादा पतला नहीं काटे। अब इसी तरह मैं सारे आलूओं के चिप्स बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे चिप्स मैंने काट लिए हैं। चिप्सों को मैंने 2 बर्तन में रखा है। अब इन चिप्सों को मैं मल मल कर अच्छी तरह पानी से 2-3 बार धो लूंगी, जिससे आलू के अंदर जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। आलूओं को अच्छी तरह धोना है, सारा स्टार्च निकल जाना चाहिए, इससे चिप्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। चलिए तो इनको अब मैं धो लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आलू चिप्स मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं। देखिए पानी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। जब मैं चिप्स धो रही थी, जब चिप्सों को उबालने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए पानी में अच्छी तरह उबाला चुका है। अब इन चिप्सों को मैं उबलते हुए पानी में डाल दूंगी। अगर ज्यादा चिप्स हैं और बर्तन छोटा है, चिप्सों को थोड़ा थोड़ा कर कर उबालना है। एक साथ सारे चिप्स एक ही बर्तन में नहीं भर देना है। और चिप्स उबालने के लिए बर्तन एक बड़ा सा लें। मैं तो थोड़े कम ही चिप्स बना रही हूँ, इसलिए एक ही बार में सारे चिप्स उबाल लूंगी। चिप्स डालने के बाद 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डाल सकते हैं या फिर नमक ना भी डालें। मैं हल्के से नमकीन चिप्स बनाऊंगी इसलिए नमक डाला है। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और पानी इतना लेना है कि चिप्स उसमें आसानी से डूब जाएं। नमक मैंने मिक्स कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए इस पानी में मैं एक बार और उबाल आने देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पानी दोबारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इन चिप्सों को मैं एक बार पलट लूंगी, जैसे जो ऊपर वाले चिप्स हैं नीचे चले जाएं और नीचे वाले ऊपर आ जाएं। अगर हम इनको पलटेंगे नहीं तो नीचे वाले चिप्स ज्यादा गल जाएंगे और ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। अब इन चिप्सों को मैं 5-6 मिनट इसी तरह गर्म पानी में पकने देती हूँ। हर 1-2 मिनट के बाद इन चिप्सों को पलटते रहें, जिससे सारे चिप्स एक साथ अच्छी तरह पकेंगे। चिप्स को पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए अब चिप्स चेक कर लेते हैं। एक चिप्स लेके इस तरह से दबाकर देखना है। देखिए बीच में से एक लाइन पड़ गई है और चिप्स पूरा जुड़ा भी है। बस इतना ही इसको कुक करना है। इससे ज्यादा चिप्सों को नहीं पकाएंगे और ना ही चिप्सों को कम पकाएंगे। अगर चिप्स अच्छी तरह नहीं पकेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और फौरन ही इन चिप्सों को एक में छलनी में डालते जाऊंगी। अगर बड़ी सी बांस की बनी हुई टोकनी है तो उसमें भी इन चिप्सों को रखते जाएं। छलनी या फिर टोकनी में रखने से जो भी गर्म पानी चिप्सों के अंदर होता है वे निकल जाता है और चिप्स ओवर कुक नहीं होते हैं। चिप्स हिलाने के लिए मैंने धूप में एक पॉलीथीन शीट बिछा दी है। कोई भी प्लास्टिक की पन्नी, साड़ी, दुपट्टा या फिर कोई भी पुरानी बेडशीट हो वो हम ले सकते हैं इन चिप्सों को फैलाने के लिए। फैलाने से इसके अंदर जो भी गर्म गैस है वे निकल जाएगी। एक एक करके इन चिप्सों को डालते जाना है। चिप्स एक दूसरे के ऊपर नहीं फैलाएंगे, नहीं तो वे सूखने के बाद चिपक जाएंगे। चिप्स फैलाने के लिए हम घर के और भी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। अगर बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो चिप्स फैलाने में उनकी हेल्प लें। बच्चों को चिप्स फैलाने में मजा भी बहुत आता है और सारे चिप्स फटाफट फैल भी जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे चिप्स मैंने धूप में फैला दिए हैं। चिप्सों को सुबह सुबह ही बनाएं और हल्की ठंडी धूप में इनको फैला दें, जिससे इनको डालते वक्त हमें ज्यादा तेज धूप नहीं लगेगी। अब इन चिप्सों को मैं 2 दिन तक इसी तरह धूप में सूखने देती हूँ, जिससे ये अच्छी तरह धूप में सूख जाएंगे। 1 दिन के बाद दूसरे दिन इन चिप्सों को मैं पलट लूंगी।
तरह से निकालते जाएं। धूप आने से पहले ही इन चिप्सों को पलट लें, बड़ी आसानी से ये पॉलिथीन से निकल जाते हैं। इन चिप्सों को मैं एक दिन और धूप में अच्छी तरह सूखने दूंगी। आलू के सारे चिप्स सूख गए हैं, इनको मैंने थाली में निकाल लिया है। 2 दिन की धूप में ये अच्छी तरह सूख गए हैं। देखिए कितने ट्रांसपेरेंट चिप्स बने हैं। इन चिप्सों को एयर टाइट डिब्बे में बंद करके साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमारा मन हो इनको फ्राई करके चाय के साथ या फिर खाने के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो चिप्स मैंने बिना फिटकरी के बनाए हैं, देखिए कितने सफेद चिप्स बने हैं, बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। 2 किलो आलू लिए थे, देखिए कितने सारे चिप्स बने हैं। इसी मेथड से हम ज्यादा से ज्यादा चिप्स बनाकर इनको स्टोर कर सकते हैं। इन चिप्सों को मैं फ्राई करके दिखाऊंगी। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है। एक बार तेल गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें और मीडियम फ्लेम पर इन चिप्सों को फ्राई करना है। थोड़े थोड़े चिप्स डालना है। सूखने के बाद चिप्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पर जैसे इनको फ्राई करेंगे ये सीधे हो जाएंगे। जल्दी जल्दी इनको पलटते जाए, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। चिप्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, देखिए कितने अच्छे चिप्स फ्राई हुए हैं, ये कितने गोल गोल एकदम लंबे चिप्स बने हैं। सूखने पे चिप्स टेढ़े हो जाते हैं, फ्राई करने से देखिए एकदम सीधे हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी चिप्स बने हैं। तो इस तरह से आप भी जे बिना फिटकरी के चिप्स बनाइए और इन्हें साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए। तो साल भर में बीच में जब भी ऐसा लगे कि चिप्सों में नमी आ गई है तो इनको दोबारा धूप में सुखा लें। इन चिप्सों के ऊपर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आप भी जो चिप्स बनाइए और इन्हें साल भर के लिए स्टोर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।